नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल काजल की रसोई में। आज की मेरी रेसिपी है सोया ग्रैनुअल के पराठे, जो बहुत हेल्दी होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। इसके पराठे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सोयाबीन के पराठे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सोया ग्रैनुअल के पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सोया ग्रैनुअल 3/4 कप या 125 ग्राम, प्याज एक बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च आधी बारीक कटी हुई, गाजर एक चॉप की हुई बारीक कटा हुआ, करी पत्ता 4 से 5, हरा धनिया 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 स्पून, जीरा 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/4 स्पून, हींग 1 पिंच, तेल 2 से 3 टेबलस्पून। आटा गूंदने के लिए हमने लिया है आटा 250 ग्राम, देसी घी 1 चम्मच, नमक 1/4 स्पून। तो आइए सोया ग्रैनुअल के पराठे बनाना शुरू करते हैं। सोया ग्रैनुअल का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम सोया ग्रैनुअल को बॉईल करेंगे। मैंने एक कुकर को गैस पर रख दिया है। अब मैं उसमें सोया ग्रैनुअल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1/4 स्पून नमक डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 1 विसल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और प्रेशर रिलीज होने के बाद हम इसको खोल लेंगे। सोया ग्रैनुअल के पराठे बनाने के लिए अब हम आटा गूंद लेंगे। मैंने एक परात में आटा डाला है। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने नमक डाला है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर रिलीज होने के बाद मैंने कुकर खोल लिया है। हमारा सोया ग्रैनुअल बॉईल हो गया है। अब हम इसमें 1 गिलास ठंडा पानी डाल देंगे। अब हम इसे छलनी में निकाल लेंगे। मैंने सोया ग्रैनुअल को छलनी से एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम पराठे बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ। इसे हम भून लेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और इसे हम भून लेंगे। हमारे प्याज भून गए हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, अजवाइन डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें सोया ग्रैनुअल्स डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि स्टफिंग गीली नहीं होनी चाहिए, इसका पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। हमारा आटा भी सेट हो गया है। मैंने इसे 6 बराबर भागों में बांट लिया है। अब हम लोई बनाएंगे।
हमने लोई तैयार कर ली है, अब हम पराठे को बेलना शुरू कर देंगे। हमने रोटी को बेल लिया है, अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। हमने रोटी में स्टफिंग भर दी है, अब हम इसे किनारों से उठाते हुए बंद कर देंगे। हमने इसे बंद कर दिया है, अब हम इसे सूखे आटे से लपेट लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पहले हाथ से बढ़ाएंगे ताकि स्टफिंग चारों ओर फैल जाए। अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे। हमने पराठे को बेल लिया है, हमारा तवा भी गर्म हो गया है। हमने तवे पर पहले तेल लगा लिया है, अब हम तवे के ऊपर पराठा डाल रहे हैं पकने के लिए। हमारा पराठा पककर तैयार हो गया है, इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इस तरह से हम बाकी के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे सोया ग्रेनुअल के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, अब मैंने आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारे सोया ग्रेनुअल के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, मैं इन्हें दही और बटर के साथ सर्व कर रही हूँ। ये जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी स्वादिष्ट हैं। आप भी इन्हें अपने घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ।